स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड फन में। आज मैं आपके साथ स्प्राउटेड सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह खाने में बहुत ही डिलीशियस एंड हेल्दी है। आई होप आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी। आप भी इसे एक बार जरूर अपने घर में ट्राई करें। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए जो जरूरी सामग्री लगेगी वो ये है, स्प्राउटेड काला चना और सोयाबीन, थोड़ा हाफ बाउल है, हाफ बाउल मूंग की दाल, एक गाजर कद्दूकस किया हुआ, एक छोटा प्याज है कटा हुआ, एक छोटा टमाटर कटा हुआ है, 5-6 बादाम कटे हुए हैं, थोड़ी सी मूंगफली है, और गार्निशिंग के लिए नींबू और धनिया, एक छोटी कटोरी खीरा कटा हुआ है, थोड़ा सा नमक और नींबू का रस और जैतून का तेल ऑलिव ऑयल और एक कली लहसुन और अदरक हरी मिर्च दो कटी हुई है और चाट मसाला। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले मूंगफली और काले चने और सोयाबीन कटोरी में ले लेते हैं। इस स्प्राउटेड मूंग को भी निकाल लेते हैं, कद्दूकस किया हुआ गाजर, कटा हुआ प्याज, कटे हुए टमाटर, कटे हुए खीरे, मूंगफली, बादाम, नींबू का रस, स्वाद के अनुसार नमक, जितना आपको चाहिए उतना डाल लीजिएगा, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च, चाट मसाला, ऑलिव ऑयल। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, कलर इसका कितना खूबसूरत आया हुआ है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये बनके तैयार हो चुका है। इसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, जल्द बन जाता है। इसको इस तरह से हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। ये देखिए हमारे, अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। सारी चीजों को मिला रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत सा कलर आया हुआ है। अब मैं इसको सर्व करने जा रही हूँ। देखिए अब इसको नींबू और हरी धनिया से तो आप जरूर इसको एक बार घर में अपने ट्राई करिएगा। और मेरा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।